मणिपुर में हिंसा रोकने और महिलाओं के साथ हुई अमानवीयता की घटना के दोषियों को अविलंब फांसी दिए जाने की मांग को लेकर जमशेदपुर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने देश की राष्ट्रपति के नाम जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा। इन्होंने कहा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई घटना मानवता को शर्मसार करती है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इतना ही नहीं, जब एक युवती के पिता और भाई ने इसका विरोध किया तो उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना के तमाम आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग इन्होंने की है, साथ ही मणिपुर के निवासियों से धर्म के नाम पर लड़ाई को बंद करने की अपील की है। इंसानियत के खिलाफ हमारी बहन बेटियों का जो बलात्कार हुआ है उसकी हमारा समाज कड़े शब्दों में निंदा करता है और मांग करता है कि उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए। और अपील भी करते हैं हम वहाँ के वासियों को कि जात पात के नाम पे, धर्म के नाम में लड़ करके इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देना जो इंसानियत को शर्मसार करती है, ऐसी घटनाएं कदाचित नहीं होनी चाहिए। हम सभी को इस समझने के दरकार है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। जात पात के नाम पे इतने बड़े बड़े कांड हो जाने, इतनी बड़ी हत्याएँ हो जानी, बलात्कार हो जाने बहुत ही निंदनीय कार्य है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि उनको कड़ी सजा दी जाए। एक उनकी जो तीन महिलाएं उनका साथ में जो नंगी करके उनको जलाया गया है, उनके परिवार को भी उसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ और वहाँ की जो सरकार है उससे मैं मांग करती हूँ कि इसका जल्द ही वो लोग को अरेस्ट करके उनको फांसी की सजा दी जाए। मैं सिख समाज की तरफ से हमारी सेंट्रल कमेटी भी साथ में, हमारी महिलाएं भी साथ में हैं, मैं उनका कड़ी से कड़ा विरोध करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बोधनी के परिवार में इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसे लोग जो ऐसा काम करते हैं, अत्याचारी करते हैं, उस पर वो लोग को फांसी का सजा दिया जाए। मैं सिख समाज की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लेडीज को लेकर के हमारी कमेटी भी वहाँ भी जाकर मणिपुर में हम पहुँचेंगे। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। टफन XT600 HCR TNT रिबा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।